ते सारे नु सत श्री अकाल मेरी वालों वड्डी वाली। तो भाई साहब जी ऐसा है डे टू जो है वो स्टार्ट हो चुका है और लोकल आज हम सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई जी बताएंगे हमें कहाँ कहाँ पे आज लेके जाने वाले हैं। भाई जी बताओ थोड़ा सा कहाँ कहाँ पे घुमाओगे आज। सबसे पहले हम हिडिंबा टेम्पल, उसके बाद क्लब हाउस, फिर वन विहार, तिप्तन मोनेस्ट्री और माल रोड। चलो जी इतनी सारी जगह आज हम घूमने वाले हैं। मेरे साथ है ईशान भाई और संदीप भाई, ये हम तीन लोग ही जा रहे हैं। आए तो हम चार लोग हैं इस ट्रिप पे, बट वो जो चौथा बंदा है वो उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब है उसकी एक्चुअली, तो वो कहीं जा नहीं रहा है। तो आप फिलहाल जो व्यूज़ दिखाने वाला हूँ उनको एंजॉय करो। पहला स्पॉट हिडिंबा टेम्पल। तो दोस्तों यही सीढ़ियां हैं जो ऊपर मंदिर तक जाती हैं। जब तक हम मंदिर तक पहुंचते हैं तब तक हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिडिंबा मंदिर के बारे में। हिडिंबा कौन थी? हिडिंबा एक राक्षसी थी जो अपने भाई हिडिंब के साथ इस क्षेत्र में रहती थी और उसने ये कसम खाई थी कि जो उसके भाई हिडिंब को लड़ाई में हरा देगा वह उससे शादी करेगी। उसी दौरान जब पांडव निर्वासन काल में थे तब पांडव के दूसरे भाई भीम ने हिडिंब की यातनाओं और अत्याचारों से गांव वालों को बचाने के लिए उसका वध कर दिया और कथनी अनुसार हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह किया। भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था और जिसकी महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। देवी हिडिंबा को समर्पित यह मंदिर हिडिंबा मंदिर के नाम से जाने जाता है और यह मंदिर हिमालय पर्वतों की कगार पर ढूंगे शहर के पास एक पवित्र देवदार के जंगल के बीच में है। जब हिडिंबा का बेटा बड़ा हो गया तो वह अपने ऊपर से राक्षसी नाम मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर कड़ी तपस्या करने लगी और कई वर्षों के ध्यान के बाद उसकी प्रार्थना सफल हुई और उसे देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिडिंबा देवी की तपस्या और उसके ध्यान के सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण बहादुर सिंह ने करवाया। मंदिर एक गुफा के चारों ओर बनाया गया है। मंदिर बनाने के बाद यहाँ श्रद्धालु हिडिंबा देवी के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली के अनुसार किया गया है। यह मंदिर लकड़ियों से बना हुआ है और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उस चट्टान की पूजा की जाती है जहाँ पर हिडिंबा ने अपनी तपस्या को संपूर्ण किया। आप जब भी मनाली जाए तो हिडिंबा मंदिर को देखना ना भूलें। हिडिंबा देवी से निकलने के बाद अब चलते हैं मॉल रोड की तरफ। इस तरफ जाते हुए हमने ये रास्ते में एक एक्टिविटी नोटिस करी तो सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करें एक बारी। बाकी सारी बातें ठीक है। पानी सूखा कब था? और जब पानी सूखा था तुम कहाँ थे? गर्मियों में सूखा था पानी। अभी जो है यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हो रही है इसीलिए गीला गीला सा लगेगा। दांत कट कट आके दिखा। इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं भैया मजबूती से कर लिया ना इसकी। भैया रस्सी आनी चाहिए, लड़का है ना है। चढ़ जाओ ऊपर, पैर ऊपर। और ये यूट्यूबर इनकी गिग्गी बंधी हुई है। शक्ल देखिए इनकी। जाओ जाओ और दूर।
ये देखिए दूर जाते हुए। अरे वापसी आ रहे हैं। घूम जाओ अब। और ये गया पानी में पैर। और जैसे हमारे यूट्यूबर कह रहे हैं पैर सुन हो चुका है इनका, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं नहीं, लेकिन ये आ रही है इनकी खौफनाक चीखों की आवाज। और ये यूट्यूबर साहब क्विट करते हुए कह रहे हैं बहुत ठंडा है पानी। और ये कह रहे हैं मैं यहाँ क्यों आया, द फेमस मीम। हाँ भाई बोल के दिखा। नीचे नहीं जा रहे। जा रहा भाई। और इनके मुंह से आ गई आवाज 100-200 रुपए ले ले लैंड करा दे। ले आओ भाई साहब को ले आओ। और ये पैर ऊपर करके आ चलो हाथ जोड़ो, चलो कान पकड़ो। नहीं भाई अब नहीं करूंगा। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, जितनी दिलेरी के साथ शुरू में गया था उतने ही फटे हाल है वापसी में। बड़ा रे दियाल मेरा मोलाया मैं।
आपका GoPro राइट GoPro।